There is a banana tree and there are four animals. वो चार जानवर जो है ना मिलके तय करते हैं कि हमने मुकाबला करना है कि केले के दरख्त पर से केला सबसे पहले कौन तोड़ के लाएगा. ठीक हो गया. अब अपने आप को सिचुएशन में लिखे हैं और याद रखिएगा कि जितने भी पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं ना उसमें जो पहला ख्याल आपके दिमाग में आता है ना पहला ख्याल वो आपने बोलना है. ये नहीं है कि दरमियान में चेंज कर ले, चेंज नहीं कर. जो पहला द फर्स्ट थिंग जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आप क्वेश्चन समझ गए, सबसे पहले जो चीज आपकी जेन में आएगी ना दैट इज आई मीन योर व्हाट यू से रिएक्शन. सो देयर आर फोर एनिमल्स, चार जानवर हैं जो मुकाबला करते हैं. द फर्स्ट वन इज लायन, ठीक है. द सेकेंड वन इज जिराफ, जिराफा. जिराफे की गर्दन लंबी होती है. फर्स्ट वन इज लायन, सेकेंड वन इज जिराफ, एंड द थर्ड वन इज स्क्विरल, गुलेरी. ठीक है, क्यूट वन. ऑलराइट, द स्क्विरल. एंड द फोर्थ वन इज चिंपैंजी. चिंपैंजी भी देखा हुआ है. वेरी गुड. सो द फर्स्ट एनिमल इज लायन, जिराफ, ठीक है. थर्ड वन इज स्क्विरल, गुलेरी. एंड द फोर्थ वन इज चिंपैंजी. अब मुकाबला शुरू होता है. आपके ख्याल में इन चारों जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे पहले केला तोड़ के लाएगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा. चिंपैंजी, सर चिंपैंजी कौन कह रहा है इधर? हाँ, सर चिंपैंजी नहीं है. सर को चिंपैंजी नहीं कहना, सिर्फ चिंपैंजी कहना है. ओके चिंपैंजी. और ही सेड यस सर. ऑलराइट. अच्छा जी, हाथ खड़ा करके बताएं कितने लोग कहते हैं कि चिंपैंजी सबसे पहले बनाना तोड़ के लाएगा. ओके ओके, हैंड्स डाउन. कितने लोगों का ख्याल है कि शेर सबसे पहले जाएगा और जाके बनाना तोड़ के ले आएगा? कोई भी नहीं. हाँ, कोई एक आदमी नहीं है. चलिए, मर्जी आपकी. ठीक है, आपकी मर्जी. एंड कितने लोगों के ख्याल में जिराफा सबसे पहले केला तोड़ के लाएगा? ओके ओके, वहीं खड़ा रहेगा, वहीं से खा लेगा. ओके. और कितने लोगों के ख्याल में गुलहरी? गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. ओके, अब ये जवाब याद रखने हैं. भूलेगा तो नहीं? एक दफा अपना जवाब कह दें. राइट, ओके, प्लीज सिट डाउन. अब मैं आपको बताता हूं आपकी पर्सनैलिटी क्या है. अच्छा, आप में से वैसे लायन किसी ने नहीं कहा? कोई एक आधा लायन? पक्की बात है, खड़े हो जाएं. वेरी गुड, वेरी गुड. ही इज द ओनली वन. शेर वैसे एक ही होता है, जंगल में भी शेर एक ही होता है. इफ योर आंसर वॉज द लायन, बाय पर्सनैलिटी यू आर अ फाइटर. ठीक है, एक ही फाइटर है, काफी है. प्लीज सिट डाउन. ओके, लेट्स सी. एंड इफ योर आंसर वॉज जिराफ, कितने लोगों का आंसर जिराफ था? वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस. जिन लोगों का आंसर जिराफ था दे आर लॉजिकल थिंकर. आपकी पर्सनैलिटी क्या है? आप लॉजिकल थिंकर हैं कि जिराफ जो है सिर्फ गर्दन उठाएगा, केले के दरख्त तक ऊपर पहुंच जाएगा, वहां से केला तोड़ेगा और खा लेगा. सो यू आर द लॉजिकल थिंकर. आगे चलते हैं. कितने लोगों ने जवाब दिया था स्क्विरल? हाउ क्यूट, हाउ नाइस. हाँ, गुलहरी. वेरी गुड. जिन लोगों का जवाब था गुलहरी, अब केला जो है वो गुलहरी से थोड़ा सा ही छोटा होता है, बट एनीवेज आई मीन वो होता है ना पॉजिटिव थिंकिंग. आपने सुना होगा बचपन में, छोटा सा मैं बच्चा हूं, काम करूंगा बड़े बड़े. राइट, तो जिन लोगों ने स्क्विरल चुनी है इसका मतलब है कि वो लोग ऑप्टिमिस्ट हैं, रोशन ख्याल हैं कि कोई बात नहीं, नन्ही सी गुलहरी है, सबसे फुर्तीली होगी, सबसे पहले जाएगी, जल्दी से तोड़ के केला नीचे आ जाएगी. राइट, और जिन लोगों का जवाब था चिंपैंजी, हाथ खड़ा करें सर चिंपैंजी. ओके, वेरी गुड, चिंपैंजी, गुड. जिन लोगों का जवाब था चिंपैंजी, ये लोग हैं डीप थिंकर. डीप थिंकर, सोचा कैसे? बंदर और बनाना, ऐसे ही है ना, बंदर और बनाना. और फिर जो है चिंपैंजी वो भी बंदर की फैमिली से ही है, तो ठीक है, बात जो है वो सही है. डीप थिंकर, उन्होंने डीप सोचा, एंड देन दे गॉट टू नो व्हाट एक्चुअली आंसर इज. तो समझ आ गई? राइट, ओके. सो हमारे पास फाइटर एक ही है. राइट, लॉजिकल थिंकर कितने बैठे हुए हैं? ऑल राइट, वेरी गुड. ऑप्टिमिस्ट कितने हैं? ओके. और डीप थिंकर कितने हैं? ग्रेट. और ये जिन्होंने हाथ किसी पे नहीं खड़ा किया, ये क्या करने आए हैं? ये हैं सस्पिशियस लोग. ओके, मशकूक किस्म के लोग कि हाथ खड़ा करने से एनर्जी जाएगी. हाँ,